दिल आप तशरीफ लाए। दोस्तों हमने देखा कि जब एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम बड़ी सेक्सी सी औरत जो है इनके जिसम पे यूं हाथ फिरा रही थी, तो ये बड़ी शराफत से पीछे हट रही थी। नहीं नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं होने देता, क्या ऐसा कर सकती, नहीं नहीं वो भी मेरे साथ, नहीं नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं, वो कौन जानता है इनसे बेहतर जो यहाँ से फरमाएंगे। I'm not going to try and embarrass you, but I just want people to know this side of you. Even I thought you were extremely unromantic, but sorry. I have all these cards and I've been going through them, and you are romantic. I'm going to read the first card that you gave me about 20 years ago. To Mana, not in my wildest dreams had I thought, dot, 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 dot. That's the name. And guess what? You still haven't completed that sentence for me. It's changed now. It's just full of shrubs and stuff, but at that time, I guess it was really cool. Babes, I also want to thank you for the most precious extensions of our love. That is little Pia and Ahan. Pia, who's a gentle, sensitive soul like you. And Ahan, the cool dude who loves to ape you and who has your complete body language. I just wanted to bring back memories. This is what we used to do when we were courting, when you used to fetch me from college and some places to hang out. I just want you to know that you're my Jan and I love you. सुनील, बिल्कुल शुरू में जो है माना ने ये बताया कि आपने उनको एक कार्ड लिखा था, नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वुड आई हैव थॉट, और कई डॉट 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 छोड़ दिए थे आपने। वो डॉट 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 आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि शादी हुई हमारी जी। और नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई थिंक शी वुड लव मी, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक्सेप्ट करेगी और मेरी शादी होगी उसी लड़की के साथ। आज 10 साल हम साथ रहे, उसके बाद 10 साल शादी को हो गए, तो 20 इयर्स वी हैव बीन टुगेदर एंड दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आपकी शरारतों के बावजूद? हाँ, शरारतों के बावजूद, इसीलिए मैं क्योंकि वो जो एरिया था जो आपने देखा वो बॉर्डन रोड में है, नेपियंसी रोड में है, उसे हम पेस्ट्री पैलेस या वंडर वर्ल्ड कहते थे। दो जगह जहाँ हम काफ़ी लोग जैकीदा और हम काफ़ी लोग वहाँ हैंग आउट करते थे जी। और शरारती नहीं थे, लेकिन हाँ शाम को लड़कियाँ देखने वहाँ शाम को बाइक बाइक पर लेके बैठा करते थे। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो दैट्स व्हाई। मैं पूछता हूँ जरा, आपकी मुलाकात सुनील से पेस्ट्री पैलेस के अगल बगल कहीं हुई या कहीं और हुई? दिस वाज अबाउट 20 इयर्स अगो। आई थिंक ही यूज्ड टू सी मी व्हेन आई यूज्ड टू गो डाउन टू द लाइब्रेरी। आई वाज द स्नूटी बुकवर्म टाइप ऑफ पर्सन एंड ही सॉ मी देयर फर्स्ट एंड ही टोल्ड माय सिस्टर एंड ही वर इन द सेम ग्रुप एंड स्टफ दैट ही वांटेड टू मीट मी एंड वी मेट एट अ पार्टी एंड इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। तो आपकी पहली डेट पर जो है आपको सुनील कैसे आदमी मालूम हुए? आपको घोड़ा गाड़ी में ले गए, गाड़ी में ले गए, मोटरसाइकिल? ऑर्गेनाइज अ मोटरबाइक एंड सच अ मोटरबाइक व्हिच वाज लाइक यू नो द मोटरबाइक दोस डेज व्हिच ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड। सो व्हेन वी वेंट, नो हमेशा हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, इट्स एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दैट। ही डिड नॉट हाउ टू राइड इट एंड मरीन ड्राइव वी लाइक रेसिंग अप एंड डाउन एंड दिस गाय स्टार्ट्स ब्रेकिंग सो आई एम लाइक यू नो हिटिंग अगेंस्ट हिम या वेरी लाइक या नहीं नहीं ये बात गलत बात है। एक्चुअली बाइक मैंने डेफिनेटली ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन बाइक दोस्त की थी एंड आई डिडंट नो हाउ टू राइड दैट बाइक। इट वाज अ न्यू होंडा 5-स्ट्रोक और नीचे तो चला गया आस्किंग हर वेदर शी सेड शी लाइक बाइक्स। मैं जानता था कि शी लाइक बाइक, सो आई टुक हर देयर और सडनली मैंने आई रियलाइज कि यार ये बाइक तो अलग है, आम बुलेट जैसी नहीं है या जावा जैसी या यसडी जैसी जो उन दिनों की बाइक होती थी वैसे तो नहीं। तो दोस्त मेरा जो ऊपर देख रहा था उससे मैं पूछ रहा था कि हाउ आई स्टार्टेड, मैं किक ढूंढ रहा था और वो सेल्फ स्टार्टेड था और फिर नेचुरली गियर्स भी अलग थे, बुलेट का कंप्लीट सिस्टम ही अलग है, तो इट वाज अ नेचुरल जर्क। उसे ऐसे लग रहा था कि आई वाज फ्लर्टिंग विद हिम। नो नो एंड व्हाट फॉर द टाइम यू एडजस्टेड द रियर व्यू मिरर टू माय फेस एंड केप्ट सेइंग ओह ब्यूटीफुल। आई एम लाइक व्हाट, दे डोंट नो, ब्यूटीफुल ड्राइव, ब्यूटीफुल ड्राइव। लेकिन मारा जिस तरह से भी वो चाहे किक मार के स्टार्ट हुआ या चाबी से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट बड़ा अच्छा था एंड व्हाट इज रियल बिगन इज लाइक मोर देन हाफ डन। डेफिनेटली वी हैव सम प्रूफ ऑफ दैट, the start being good and it being well begun here on this।